प्रदेश में एक बार फिर से स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रम में वीर सावरकर को अंग्रेजी से माफी की गुहार करने का इतिहास बताया और साथ ही महाराणा प्रताप को सातवीं कक्षा में विजेता और बारहवीं कक्षा में प्रताप को हल्दीघाटी के युद्ध में हारने का इतिहास बताया है, जिसको लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार की एक ही मानसिकता रही है कि इतिहास में एक ही परिवार का गुणगान किया जाए और दूसरे वीर वीरांगनाओं को अंडरलाइन किया जाए। वीर सावरकर पर कहा कि आजादी के लिए सावरकर को आजीवन कारावास की सजा हुई, एक भी कांग्रेसी ने आजादी के लिए आजीवन कारावास की सजा नहीं काटी। देवनानी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस की ओछी मानसिकताओं के चलते दूसरे वीर वीरांगनाओं को पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस सरकार की हमेशा ये मानसिकता रही है कि केवल इतिहास में एक ही परिवार के गुणगान होते रहें, दूसरे वीर और वीरांगनाओं ने देश के लिए जितना जो कुछ किया उसको अंडरमाइन किया जाए, इसको लेकर के उन्होंने इसको परिवर्तन किया है, लेकिन वह तथ्यों पे आधारित नहीं है। क्यों वीर सावरकर, मैं समझता हूँ कि इतिहास में एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको दो दो बार आजीवन कारावास की सजा